जसप्रीत बुमराह भी आखिरी टेस्ट मैच से बाहर, अब गहरे मुश्किल में फंसी है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मौजूदा टीम इंडिया के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नई खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो चुकी हैं। अपने मुख्य हथियारों के बिना मैदान पर उतर रही भारतीय टीम को अब सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ब्रिस्बेन में होने वाले आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगी। पीटीआई ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवालों से खबर दी है कि बुमराह पेट की इंजरी से जूझ रहे हैं और 15 तारीख से शुरू होने वाले अंतिम और निर्णायक टेस्ट में नहीं खेलेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो जसप्रीत बुमराह के पेट का स्कैन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन उनकी इंजरी गहरी है। हालांकि टीम मैनेजमेंट का यह भी कहना है कि अगर बुमराह 50% से फिट रहे तो उन्हें खिलाया जा सकता है, यानी अंतिम फैसला स्कैन का नतीजा सामने आने के बाद ही हो सकता है। सिडनी में फील्डिंग करते हुए 27 वर्षीय स्पिनर ने पेट के खिंचाव आ गया था। अगर हाफ फिट जसप्रीत बुमराह आखिरी टेस्ट खेलते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट की आगामी सीरीज से उनका बाहर होना तय है। ब्रिस्बेन टेस्ट में बुमराह के बाहर होने का मतलब है कि एक अनुभवी तेज गेंदबाज अटैक के साथ रहाड़े एंड कंपनी का मैदान पर उतरना। मौजूदा दौर पर चोटिल होकर बाहर होने वाले जस्सी तीसरे पेसर होंगे। इससे पहले मोहम्मद शमी, उमेश यादव सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ईशान तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं आए थे, भूबी भी आईपीएल के दौरान ही चोटिल हो गए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि ब्रिस्बेन टेस्ट में बुमराह की जगह टी नटराजन को डेब्यू में मौका मिला जाए। जडेजा के स्थान पर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी दो अन्य पेसर होंगे। तीसरे टेस्ट में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपना अंगूठा फ्रैक्चर करवा बैठे थे। दूसरी पारी के अंगद की तरह जमे हनुमा बिहारी भी भारी दर्द के बावजूद बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी चौथे टेस्ट के बाहर हो चुके हैं। कल मैच के ठीक बाद बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी थी। ऐसे में बिहारी के विकल्प के तौर पर रिद्धिमान साहा को विकेटकीपर के रूप में और ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज उतारा जा सकता है और मध्य क्रम में मयंक अग्रवाल को जगह दी जा सकती है। वहीं जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर ले सकते हैं। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी है, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।